हेलो डियर नॉलेज आप शिक्षा में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि रावे की बुकलेट को कैसे भरना है, उसकी पूरी जानकारी दूंगा। ओके, ये हमारी रावे की बुकलेट है। ओके, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सुपरवाइजर सब्जेक्ट वाइज, ये हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन है। जनरल इन्फॉर्मेशन में नेम ऑफ विलेज ये भरना है, आपको अपने गांव का नाम भर देना है। ये हमने एक गांव का डाटा ले लिया है, आपको अपने गांव का भरना है तो आप अपने गांव का डाटा देना है आप लोगों को। ओके, ये देखिए। ओके, ये हमारी समरी दी हुई है, तो इस तरीके से समरी दे देंगे। ओके, फिर जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट फार्मर, ये किसान की जानकारी दी हुई है, इसको आप अपने गांव के किसान की जानकारी भर देना इस तरीके से। ओके, लैंड इन्फॉर्मेशन आपको दे देना है। ओके, ये नेक्स्ट पेज पे है आपका सॉइल कंडीशन, रेनफॉल स्टेटस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये आपको डाटा दे देना है अपने यहाँ का। ओके, आपको जिस गांव का करना है आप उस गांव का भरना, इसमें जो है हमने अपने गांव का भरा हुआ है। ओके, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, नेम ऑफ ग्राम पंचायत, आप अपने यहाँ की ग्राम पंचायत का नाम भर देना। नेम ऑफ ग्राम सभा, आप अपने ग्राम सभा का नाम भर देना, आपको इसी तरीके से भरना है। ओके, ये आपको हम इसलिए डाटा दे दिया कि जिससे आपको भरने में असुविधा ना जाए, किस तरीके से भरना है। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क ये। ओके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये इस तरीके से जो है आपको सब भर देना है, क्या क्या आपके यहाँ पे जो फैसिलिटीज अवेलेबल हो, जो चीज़ हुआ उसको आपको भरना है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली मेंबर, आपको फार्मर की जो है फैमिली मेंबर का क्लासिफिकेशन कर देना है। क्लासिफिकेशन फैमिली बेस्ड ऑन एजुकेशन। ओके, ये इसी प्रकार से ये देखो आपको सारा डाटा दे देना है इसमें, ये सब इसी तरीके से आपको भरना है, एक आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से भरना है। ओके, ये सोशल एक्टिविटी। ओके, ग्राम पंचायत, नॉट ए मेंबर, सिंपल मेंबर, स्पेशल मेंबर, ऑफिसर। ओके, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपको इस तरीके से भरना है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भर देना इस तरीके से, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट, ट्रैक्टर है तो यस कर देना है, ट्रॉली है तो यस कर देना है, रोड। ओके, जो चीज़ नहीं उसको नो कर देना है, इस तरीके से आप लोग भर लीजिएगा। मैं इसलिए आपको ये डाटा प्रोवाइड करा दे रहे हैं जिससे आपको भरने में असुविधा ना हो। ओके, ये देखिए आप लोग इस तरीके से सारी चीज़ों का डाटा देना है आप लोगों को। लैंड प्रिपरेशन, लैंड डिलीवरिंग, बंड मेकिंग। ओके, ये देखिए हमने बुकलेट को भर दिया है पूरी तरह से, कैसे आपको भरना है, आपको ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डोमेस्टिक हाउस स्टेटस ये आपको इस तरीके से दे देना है इसमें। ओके, ये हमारा एग्रोनॉमी में आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन, खरीफ में आपने कौन कौन सी क्रॉप बोई, जैसे ये परती पड़ी रही भूमि। ओके, जिसमें परती कितनी थी, 0.25 हेक्टेयर। ओके, मेज वैरायटी का नेम दिया हुआ है। ओके, कितने में बोई गई थी ये दिया हुआ है, कितनी उपज हुई है, इस तरीके से आपको अपने यहाँ फार्मर की जानकारी देनी है, रबी की दे देनी है, फिर जायद की दे देनी है। ओके, इस तरीके से आपको ये सारी जानकारी भर देनी है। ये देखिए आपको इसी तरीके से आपको सारी जानकारी अपने यहाँ के फार्मर की देनी है, अपने विलेज की। ओके, ये यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय द फार्मर्स। ओके, ये आपको यहाँ पे जानकारी दे देना है। ओके, ये देखिए, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं,
कॉलेज आकर के पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है। इस तरीके से आपको जो है भरना है। ओके, द फार्मर डू नॉट यूज ऑफ राइजोबियम कल्चर इन क्रॉप्स। ओके, खरीफ रवि जायद तो इसका डाटा जो है हमको इस तरीके से ये सब भर देना है जैसे इसमें भरा हुआ है। ओके, ये देखिए इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ओके, ये देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से सब डाटा आपको भरना है जैसे इसमें भरा हुआ है। बट आपको अपने यहाँ का डाटा देना है, अपने फार्मर का डाटा देना है, स्टोरेज इन्फॉर्मेशन। ओके, अभी हमारा हार्टिकल्चर का आ गया, मैंगो जो है फ्रूट्स प्लांट्स में मैंगो कितने एरिया में है, नंबर ऑफ प्लांट्स, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ, इनकम कितनी हुई। तो अगर मैंगो प्लांट है तो भरना है, अगर नहीं आना है तो इसी तरीके, अगर नहीं है तो इसी तरीके से आपको डैश कर देना है। ओके, जैसे इसमें डैश है। ओके, मटेरियल कास्ट कर देना है। ओके, वेजिटेबल प्रोडक्शन यदि ब्रिंजल है तो कितने में है उसका एरिया लिखना, अगर नहीं तो नो कर देना है। पोटैटो है तो कितने में है तो उसको यहाँ पे हमको उसका डाटा दे देना जैसे इसमें डाटा दिया हुआ है। ओके, मटेरियल कास्ट। ओके, ये यहाँ पे जैसे मटेरियल कास्ट दी गई है उसी तरीके से आप लोग भी अपने फार्मर के मटेरियल कास्ट देना है। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन, नेम ऑफ क्रॉप पैडी, लोकल नेम ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का नाम दिया है, इंसेक्ट का वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है, क्या लक्षण की स्टेज क्या है। ओके, सिम्टम लक्षण क्या है उस फसल में, क्या लक्षण दिखते हैं, डैमेजिंग स्टेज क्या है, निम्फ एंड एडल्ट। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट अटैक जो है कैसा रहा, लो मीडियम हाई, आप इस तरीके से यहाँ पे कर देना है आपको। ओके, ये आपको समरी दे देना है। इसी प्रकार से ये देखिए मेथड ऑफ कंट्रोल, पैडी में साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। ओके, कल्चरल मेथड विद केमिकल, ओके, मैकेनिकल या फिजिकल मेथड, ये सब आपको इस तरीके से भर देना है। ये समरी आपको दे देना है। ओके, ये डाटा आपको भर देना है। इन फार्मर अप्लाइज केमिकल फॉर कंट्रोल देन। ओके, फिर ये समरी देना है। ये डाटा हमको इस तरीके से भरना है, आप लोग देख लीजिए इसमें कैसे भरा हुआ है। ओके, और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ अगर आपको भरने में कोई प्रॉब्लम आती है आप कॉलेज आकर हमसे पूछ सकते हैं। प्लांट पैथोलॉजी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर डिजीज, पैडी, लोकल नेम ऑफ डिजीज दिया लिखा है ये। ओके, साइंटिफिक नेम लिखा है, सिम्टम ऑफ डैमेज। ओके, कौन कौन से लक्षण हैं डैमेज के। ओके, डैमेजिंग स्टेज लिखी हुई है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अटैक लो मीडियम हाई, इसको आपको कर देना है। लो है तो लो में यस करना है, मीडियम है तो मीडियम में यस करना है, हाई है तो हाई में यस करना है, नहीं है तो नो कर देना। ओके, इस तरीके से आप सारा डाटा ये दे देंगे, ये समरी दे देंगे आप अपनी। ओके, मेथड ऑफ कंट्रोल दिया हुआ है, ये इस तरीके से आपको भरना है। ओके, ये इस तरीके से सारा डाटा आपको भर देना है। अब ये सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन में, लैंड टाइप पार्टिकुलर, स्लोपी है तो कितने हेक्टेयर है, अपलैंड है तो वो कितने हेक्टेयर है, लो लैंड है तो वो कितने हेक्टेयर, इस तरीके से आपको ये डाटा देना है सारा। ओके, ये आपको डाटा इस तरीके से सारा दे देना है। ओके, ये डाटा जैसे इसमें भरा हुआ है इसी तरीके से आपको भी भरना है। हाउ फार्मर मैनेज हिज लैंड। ओके, हैरोइंग ऑफ फैलो लैंड ये इतनी दी हुई है, मल्चिंग जीरो दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपको भी भरना है जैसे इसमें है। तो आप अपने फार्मर्स का डाटा यहाँ पे दे देना है आप लोगों को। ओके, हाउ मैनेज वाटर हार्वेस्टिंग,
ओके, तो आपको ये डाटा इस तरीके से दे देना है। टेक्निकल नॉलेज हाउ अबाउट सॉइल कंजर्वेशन, तो ये आपको इस तरीके से इसमें डाटा दे देना है, यदि है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना है। ओके, ये डाटा आपको इस तरीके से देना है, आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कैसे हमको भरना है। ओके, इरीगेशन वाटर मैनेजमेंट, सोर्स ऑफ इरीगेशन कौन कौन से हैं, कैनाल, ट्यूबवेल, वेल, अदर, है ना, तो यदि हैं तो इसको लिख देना है, या अदर हैं तो अदर में ये लिख देना, क्रॉप लिख देना, कितने एरिया में वो लिख देना है, वाटर अवेलेबिलिटी लिख देना है। ओके, ये इस तरीके से आपको सारा भरना है, जिस तरीके से इसमें भरा हुआ है ऐसे ही डाटा आपको अपने गांव का भरना है। ओके, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आ गया। डिस्टेंस ऑफ विलेज फ्रॉम नियरेस्ट स्टैंड ये लिखना है, डिस्टेंस ऑफ विलेज फ्रॉम नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। ओके, ये बस स्टैंड का है, ये रेलवे स्टेशन का है। ओके, इसी तरीके से आपको सब डाटा देना है जैसे इसमें दिया हुआ है, इसी तरीके से आप अपने यहाँ का डाटा भर देना है। ओके, क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द विलेज, ये क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ विलेज है, इसको आपको अपने यहाँ का डाटा दे देना है। ओके, ये समरी लिख देना है। ओके, ये डाटा इस तरीके से आपको देना है, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, यदि देसी हल है तो यस करो, नहीं तो नो कर दो। ओके, जो चीज़ है उसको यस करना है, जो नहीं है उसको नो करना है, इस तरीके से ये डाटा हमको भर देना है इसमें। ओके, एनिमल साइंस का आ गया, एनिमल ब्रीड नंबर, काउ है देसी कितनी है, दो है तो इसमें दो लिख दिया गया है, होस्टिन फ्रीजियन एक भी नहीं तो यहाँ पे जीरो जीरो कर दिया गया, बफेलो में देसी एक है तो एक कर दिया गया, इम्प्रूव ब्रीड नहीं है तो इसमें डैश कर दिया गया। ओके, इस तरीके से आपको ये सारा डाटा भर देना है। ओके, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ये दिए हुए हैं आपके। ओके, इस तरीके से आपको पूरा डाटा हमको देना है, अपनी बुकलेट को कैसे भरना है ये पूरा आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा। तो आप लोग इसी तरीके से अपनी बुकलेट को भर लें और अपने गांव के फार्मर का ही डाटा इसमें भरें। ओके, और यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉलेज आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके डियर, थैंक यू वेरी मच। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ओके।